कांग्रेस के नेता प्रदेश केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म करने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की अगली कड़ी में जय भारत सत्याग्रह के तहत दिल्ली से लेकर प्रदेश व तहसील स्तर पर केंद्र कार्यक्रम आयोजित कर रही है, ताकि देश की जनता को केंद्र सरकार का असली चेहरा उजागर किया जा सके, गलत नीति वाली सरकार को कुर्सी से हटाया जा सके। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन और प्रेस वार्ताओं का दौर जारी है। दोपहर नगर के कांग्रेस भवन में पार्टी की ओर से भेजे गए प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जी एन मालवीय व सह प्रभारी रामकृष्ण वर्मा तथा हरिराम पाटीदार आदि ने नगर में पत्रकारों के बीच प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अभियान को लेकर उन्होंने बताया है, जेपीसी को दबाने के लिए राहुल पे किए जा रहे हैं। आप देखिए रहो, एक दिन में सदस्यता खत्म करना, भंडाखारी कराना, और सबसे बड़ी बात विरोध, इनका जो विरोध है, अभी चुनाव आयोग ने वायनाड जो चुनाव का ऐलान ही किया, उन्होंने कहा है कि 30 दिन देखेंगे हम, 30 दिन का जो समय मिला है राहुल को वो हम देखेंगे, तब घोषणा करेंगे। और संसद एक दिन में कर रही, कोर्ट बोल रही है, बोल रही है कि आपको 30 दिन का जमानत के लिए समय दिया जाता है, अपील करने के लिए समय दिया जाता है, पर मान ही रहे। ये तो सर मैं समझ रही हूँ, मतलब चुनाव आयोग समय दे रहा है और संसद समय नहीं दे रही है। बिल्कुल अत्याचार साहब, प्रधान साहब अत्याचार लोकतंत्र की, मतलब दोनों बातें आप कैसे कर रहे हो। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि ये चौथा स्तंभ जो आपका है वो भी कांग्रेस की आवाज बने, और देश में जो अराजकता चल रही है उसके लिए लड़े लड़े। बस हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ हो जाओ, और देश हमारे साथ हो जाए, तो ये जो भ्रष्टाचार का जारी है वो मिटा देंगे। जो भावना से कर रही है उसके विरोध के लिए और आप लोगों के बीच में जनता को जगाने के लिए आए हैं, के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के खिलाफ हम जगह जगह जो है आज पूरे प्रदेश में इस तरह की जो है वार्ताएँ कर रहे हैं, ताकि हकीकत जो है पब्लिक के बीच में पहुँचे। ये कार्रवाई भाई अभी तो हम ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर के बाद में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और जैसे मार्गदर्शन मिलेगा हमारे वरिष्ठ नेताओं का उस तरह की आगे कार्रवाई।